काशी में सूर्यास्त के साथ ही गंगा के तट पर प्रज्वलित लाखों दीपों ने अलौकिक छटा बिखेरी। घाटों पर मानो आकाश गंगा के सितारे उतर आए हों। शिव की नगरी काशी में पूरे उल्लास के साथ भव्य देव दीपावली मनाई गई। देव दीपावली के अवसर पर काशी का प्रत्येक घाट अलग अलग रंग बिखेरता दिखा। घाट का नजारा तो साक्षात जैसे स्वर्ग से देवलोक पर आप यहाँ पर आकर पधार गए हैं धरती पे। यहाँ पे गंगा माता का जो यहाँ पर है देव दिवाली मनाया जाता है। यहाँ सब दूर दराज से आकर के पर्यटक लोग भी बहुत दूर से, हम लोग तो हैं नज़दीक से, लेकिन यहाँ देव दिवाली का जो महत्व है बहुत ही बढ़िया है। देव दीपावली के अवसर पर 10 लाख दीयों से जगमग हुए गंगा घाट। देश और दुनिया के सैलानी टकटकी बांधे दिखे घाटों पर। स्थानीय लोगों में भी इस पर्व को लेकर उल्लास देखने को मिला। देव दिवाली देखिए, दिवाली के 15 दिन बाद मनाई जाती है, जो कि बनारस का बहुत फेमस जगह है। ये घाटों पे सारी जगह सजाई जाती है और हर जगह दीयों से सजाते हैं। अपने अपने विचार हैं, जितने जो भी अपने बनाते हैं लोग, अपने तरीके से लोग स्वास्तिक बनाते हैं, ओम बनाते हैं, हर तरह से घाट सजाते हैं, अच्छा लगता है। और मतलब पर्व हमारा ये बहुत अच्छा मनाया जाता है यहाँ पे। घाटों पर भव्य महाआरतियों से काशी की धरा पर देवताओं का स्वागत हुआ। माँ गंगा की महाआरती में नारी शक्ति की भी अद्भुत तस्वीर देखने को मिली। घाट पर आए लोगों ने भी बताया कि आखिरकार क्यों महत्वपूर्ण है काशी की देव दीपावली। देव दीपावली है उसकी अपने आप में, मतलब उसकी जिस तरीके से हम शब्दों में बोल नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते, क्योंकि उसका अपना अलग महत्व है। और काशी की जो देव दीपावली है, ऐसी मान्यता है कि इस दिन खुद सारे भगवान जी लोग शिव शंकर के जी के साथ सभी लोग आते हैं और विचरण करते हैं, और इसीलिए हम इसको मनाते हैं। मतलब दीपावली जो है वो तो है ही, लेकिन ये है इसको हम सिर्फ भगवान के लिए मानते हैं। और आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल स्वर्ग के जैसे है ये इस समय की काशी। यूं तो देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, मगर चंद्र ग्रहण के चलते इस बार देव दीपावली के पर्व को एक दिन पहले ही मनाया गया। हम नमो घाट पर हैं और नमो घाट इसी साल इसका इनॉग्रेशन हुआ है इस घाट का। और काशी में ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि काशी में जितने भी घाट हैं सभी घाटों पर दीयों से इसकी सजावट होती है। यहाँ पर स्पेशली नमो घाट पर यहाँ पे दीयों से प्लस फूलों से, दीयों से और प्राकृतिक दीयों के अलावा कृत्रिम प्रकार के जो प्रकाश, हम जो झालर वगैरह होते हैं उसको यूज़ करके यहाँ का डेकोरेशन हुआ है। और उसके साथ आप देख सकते हैं, जो कि ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है ये देव दीपावली, और चूँकि इस साल ग्रहण लग रहा है तो हम कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन पहले इसको मना रहे हैं। रंग बिरंगी आतशबाजी से घाट रोशन हुए, घाटों और गंगा की रेती में दिए जलाए गए। इसके अलावा लाइटिंग शो भी हुआ, जिसे देखने के लिए देश भर से लोग काशी के घाटों पर मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री की वजह से बनारस, गोरखपुर, मथुरा, काशी और अयोध्या जैसे घाटों पे ये नज़ारा देखने को मिलता है। पूर्व की सरकारों में इस तरह की कभी दृश्य को नहीं देखा गया। देव दीपावली का हिंदू यहाँ का तो नज़ारा अद्भुत ही दिखाई दे रहा है। आज ये लग रहा है कि हम लोग सही में भोलेनाथ की नगरी में प्रस्थान किए हैं और हम लोगों को अपार हर्ष है यहाँ आने पर। देव दीपावली के चलते आधी रात के बाद भी पूरे बनारस में लोगों की भारी संख्या में भीड़ देखने को मिली।